लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी को लेकर फिर से एक गलत दावा वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ओम बिरला की बेटी बिना पेपर और इंटरव्यू दिए ही यूपीएससी की परीक्षा में पहले ही अटेम्प्ट में पास कर गई। पड़ताल में पाया गया कि वायरल दावा फर्जी है। अंजलि ने एग्जाम और इंटरव्यू देकर ये परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में पास कर दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी बिना पेपर और इंटरव्यू दिए यूपीएससी की परीक्षा में पहले ही अटेम्प्ट में पास कर गई। पोस्ट में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अंजलि बिरला को लोकसभा स्पीकर की बेटी होने का फायदा मिला है। वायरल दावा बिल्कुल फर्जी है। अंजलि ने एग्जाम और इंटरव्यू देकर यह परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में उत्कीर्ण से पास की है। फेसबुक यूजर अंकुश राव साहब पंचकुरा ने एक अखबार की कटाई की तहत दिखाई वाली क्लिप को शेयर किया जिसमें लिखा था, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को बगैर परीक्षा दिए आईएएस बना दिया गया। इस यूजर की प्रोफाइल को स्कैन करने पर हमें पाया कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसके 2500 से अधिक फॉलोअर्स हैं। जांच के लिए सबसे पहले इंटरनेट पर कीवर्ड की मदद से अंजलि बिरला को यूपीएससी परीक्षा पास करने के बारे में सर्च किया गया। हमें ऐसी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स मिली थी जिनमें अंजलि के पहले ही अटेम्प्ट में इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की बात कही गई है। उसको बता दें, यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी परीक्षा देनी पड़ती है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाली कैंडिडेट मेंस की परीक्षा में बैठते हैं और मेंस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पर्सनल इंटरव्यू पास करना होता है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक्स, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तक अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया तथा 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। अंजलि बिरला यूपीएससी केंद्र सर्वे परीक्षा में शामिल हुई और उनका चयन 2019 की समेकित आरक्षण सूची में हुआ। उच्च न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को प्लेटफॉर्म द्वारा 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाना चाहिए और यदि अंजलि बिरला के किसी अन्य समान पोस्ट के बारे में पता चलता है तो वह इसके बारे में एक्स और गूगल को सूचित करेंगे। उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक्स, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया तथा 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। अंजलि बिरला यूपीएससी केंद्र सर्वे परीक्षा में शामिल हुई थी और उनका चयन 2019 की समेकित आरक्षित सूची में हुआ। वह आईपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हो गई थी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।